पिशावर में खुद को जैकेट बरामद, बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नकारा बना दिया गया। रिंग रोड जमील चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद को रुकने का इशारा किया, मुलजिमान खुद को जैकेट फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 600 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद शामिल था। इस्लामाबाद में पीटीए के जलसे के करीब झड़प, पुलिस की शैलिंग, पीटीए कारकुनान का पथराव, एफसी तैनात, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। डीसी इरफान मेमन कहते हैं जलसा खत्म करने का वक्त 7 बजे का था, मुहायदे की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि चुंगी नंबर 26 पर रूट की खिलाफ वर्जी की गई, खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज होंगी। पीटीआई का आइंदा जलसा लाहौर में करने का ऐलान, अली अमीन गंडापुर बोले खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने ताकत के जोर पर मैंडेट चोरी होने से बचाया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया, कंटेनर लगाकर हमारे रास्ते रोके गए। महमूद खाना चकजई ने कहा इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका, ऐसा जलसा इनकलाब नहीं ला सकता। अली अमीन गंडापुर के खिताब पर मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा बदमाश गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं, ये लोग मुआशरे की गलाजत के जिम्मेदार हैं। बानी पीटीआई ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, ज़राए के मुताबिक कानूनी और आइनी माहरीन शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और मुल्क में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज, 7 रोजा मुहिम में 111 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 सूबों में 3 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 7 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी।